जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी जनपदों में लगे आचार संहिता को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शनिवार को ही प्रदेश के सभी जनपदों में आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा लगा दी गई है, जिसका पालन कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की गई है तथा जनपद से सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर को भी हटवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि चुनाव में मतदाताओं की सुरक्षा तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराया जाए, जिसका निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा आया है, जिससे सभी अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा मतदाताओं के लिए बूथों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं तथा प्रयास है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें तथा पिछली बार से ज्यादा मतदान करें। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों की जनसभाओं, रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभा पर 15 जनवरी तक रोक लगाया गया है, जिससे सभी राजनीतिक पार्टियों को अवगत करवाया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें तथा किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा एक साथ 5 व्यक्ति ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं तथा 5 गाड़ियां ही एक साथ राजनीतिक दल लेकर चल सकते हैं। उन्होंने कहा पहले एक बूथ पर 1500 मतदाताओं की संख्या थी, जिसको घटाकर 1200 कर दिया गया है तथा 4126 बूथ को जनपद में बनाया गया। वहां मतदाताओं के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है तथा साथ ही हर बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा आज माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में जो चुनाव की घोषणा हुई है और आचार संहिता का की घोषणा हुई है, उसी के क्रम में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सभी मीडिया के बंदों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम सभी को सूचित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है और सारे दस्तावेज और निर्देशों को अवगत कराया जा रहा है ताकि एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव कराने में हम कामयाब हो सकें और सभी की सहभागिता, प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से बल इस बार ये है कि मतदाताओं के सुरक्षा और उनके कोविड प्रोटोकॉल के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए चुनाव कराया जा रहा है। माननीय आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में और कोविड के संक्रमण के दौरान चुनाव संपन्न कराने के लिए और सारी गतिविधियां कराने के लिए निर्देशित किया गया है, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है और इस बैठक के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोग के निर्देशों के क्रम में सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बूथों पर सुनिश्चित की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें और इस बार हम लोग पिछले गत अनेकों बार से ज़्यादा मतदान प्रतिशत यहाँ पे प्रदर्शित कर पाए। आज विभिन्न पार्टियों को आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं में घटकों के संबंध में अवगत कराया गया कि और माननीय आयोग द्वारा 15 जनवरी तक किसी भी तरह की जनसभाएं, पब्लिक रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बारे में अवगत कराया गया। उनको अनुरोध भी किया गया कि इस कोविड प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन भी करें, आयोग के निर्देश को शत प्रतिशत पालन करें और ये भी सभी को बता दिया गया कि कहीं पर कोई उल्लंघन मिलता है तो ज़रूर उसमें माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। इसके बारे में अवगत भी कराया गया और पोलिंग बूथों पे जो व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इन सब के संबंध में भी अवगत कराया गया। जो पहले के टीवी चैनल्स पे जो डिबेट है उसके पहले से जो निर्देश वही हैं, लेकिन जब डिबेट्स यहाँ पे कहीं पे फिजिकली की जाती हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए है और उन डिबेट्स पर ये भी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं उकसाने की बात करते हैं और जो प्रतिबंधित आयोग के निर्देश और आचार संहिता के प्राविधानों का उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में उसी अनुसार कार्रवाई की जाए। आज की तारीख में जो जनसंपर्क होता है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, उसमें माननीय आयोग द्वारा 5 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति दी है। उसके अलावा गाड़ियों के काफिले में भी कोई भी गाड़ियों का काफिला 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ नहीं भ्रमण कर सकती, ये आयोग के निर्देश हैं। इसको शत प्रतिशत पालन करने के लिए हमारी टीमें, वीडियो टीमें, उड़न दस्ते सब तैनात हैं, उसकी घड़ी निगरानी करते हुए सुनिश्चित किया जाए। उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो मैं
अनुरोध करूंगा सभी मीडिया के साथियों से भी कि कोविड गाइडलाइन जो विस्तृत रूप से जारी किए गए हैं उसको जरूर पढ़ लें और उसका भी 100% पालन करें, क्योंकि सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पुनरीक्षण के दौरान ही बूथों में पहले 1500 से अधिकतम मतदाताओं की संख्या थी, अभी 1200 तक की गई है, इसलिए हमारे बूथ अभी 4126 बूथ हो गए हैं और उनमें सारी व्यवस्थाएं मूलभूत अवस्थापनाओं को संतुलित करने के लिए कटिबद्ध प्रयास करके कर दिया गया है और आगे जैसे भी फीडबैक मिलता रहेगा अगर कोई कमी रह गई तो उसको भी दूर किया जाएगा। बूथों में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्था के लिए की गई है। पोलिंग पर्सनल के लिए आप देख रहे होंगे सभी को टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए बूस्टर डोज का प्राविधान भी किया जा रहा है और साथ ही हमारे सभी मतदाताओं को अधिक से अधिक हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अगर कोई फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में छूटे हुए हैं तो उनको जरूर करें और 15 से 18 साल के उम्र के लोगों को भी अभी वैक्सीनेशन की कार्रवाई की तेज गति से इस जनपद में चल रही है। अभी पहले चरण में हम लोगों ने पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से हमारे प्रशासन की टीम के माध्यम से वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी का आंकलन किया है और आगे भी और अभी आचार संहिता घोषित हो गए, अभी जैसे जैसे कैंडिडेट्स भी घोषित होते रहेंगे वैसे और इसके संवेदनशीलता का दोबारा आंकलन किया जाएगा और सभी बूथ जहाँ भी क्रिटिकलिटी है वहाँ मान्य आयोग जैसे निर्देशित करता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वेबकास्टिंग और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने उसी अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरंतर हमारी कार्रवाई चल रही हैं, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और जहाँ जहाँ हमें वहाँ गैंगस्टर, गुंडा और जिला बदर की कार्रवाई करनी है वहाँ हम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अभी और थानों से और तहसीलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जैसे जैसे सूचना आती रहेगी निरोधात्मक दंडात्मक कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी।